Just sitting in front of Hooghly River. इधर basically एक confluence है. चल पड़े हम होल्दिया की तरफ. ग्रीन pastures, एंडलेस highways, एंड अ ब्राइट सनी वीकेंड मॉर्निंग. एंड दिस हैज बीन अ ईयर वेयर ह्यूमन स्पीशीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हैज बीन टेस्टेड फॉर पॉजिटिविटी एंड पेशेंस. एंड 2021 को पूरा विश्व में स्वागत करने के लिए हम लोग सभी बहुत उम्मीद के साथ बैठे हैं. सो गाइस, मेरा नाम है देव एंड वेलकम बैक टू बॉम्फर्चर. दिस इज अगेन गोना बी अ मिनी वीकेंड ड्राइव फ्रॉम कोलकाता टू होल्दिया, कंप्राइजिंग ऑफ 124 किलोमीटर्स ड्राइव. अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम द एलियन मिस्ट्रीज एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ट्रैवल ब्लॉग. सो गाइस, होल्दिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट है इंडिया में एंड इट्स एन इंडस्ट्रियल बेल्ट व्हिच इज लोकेटेड अराउंड 124 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट ऑफ कोलकाता. एंड टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, इट्स अ वेरी स्पेशल वन बिकॉज होल्दिया सिट्स एग्जैक्टली इन द कॉन्फ्लुएंस बिटवीन हुगली रिवर एंड होल्दी रिवर. होल्दिया इज ऑल्सो द सेंटर फॉर मेनी पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस एंड इज बींग डेवलप्ड एज अ मेजर ट्रेड पोर्ट for Kolkata. So guys, like always, don't forget to like, share and subscribe to my channel and also to press the bell icon to get further notifications. Hey guys, welcome back to Bong Voyager. फिर से एक नया वीकेंड है एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ ट्रैवल. तो जब भी कोई वीकेंड होता है तो सारा जो थकान रहता है ना इंटर वीक का, जॉब का, टू मिनिमाइज द स्ट्रेस आई ऑलवेज गो फॉर अ ट्रैवल, अ वीकेंड ट्रैवल. तो आज का भी प्लान थोड़ा रैंडम है बट द डेस्टिनेशन इज मोर ऑर लेस क्लोज टू हल्दिया. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द रूट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रॉस द विद्यासागर सेतु एंड मूव टूवर्ड्स कोना एक्सप्रेस हाईवे. उसके बाद आपको मुंबई रोड लेना पड़ेगा, that is the national highway and continue till Kolaghat. चलते चलते बहुत भूख लग गया हम लोग को and luckily we were close to Kolaghat and we saw a empty restaurant, not empty but less crowded, which is safe considering the current pandemic situation. So हम लोग उधर ही lunch करने के लिए बैठ गए and we had fried rice, chili chicken, chili fish and it was a very tasty lunch I can say. After Kolaghat, you need to take left towards Nandakumar and Nandakumar jaake finally, you have to go straight towards Haldia. Agar aap daaye taraf lete ho, then you will reach Digha, Mandarmini and other sea beach locations. We finally reached Haldia and just about to see the sunset in front of Hooghly River. ग्रीन पास्चर फील्ड्स फुल ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. इसके साथ अगर सनसेट का मजा ऐड हो जाए तो बस नजारा ही कुछ और होता है. सो यू कैन सी जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हुगली रिवर, जस्ट बिहाइंड मी यू कैन सी द रिवर एंड इधर बेसिकली कॉन्फ्लुएंस है. एक साइड से हल्दी रिवर आता है, जस्ट लॉट ऑफ क्राउड अराउंड मी, सो प्लीज डोंट माइंड. बेसिकली इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ हल्दी रिवर एंड हुगली रिवर. सो मेरे राइट साइड पे पीछे की तरफ वी हैव गॉट द सी एंड दिस साइड वी हैव गॉट कोलकाता सिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक. टॉकिंग अबाउट टूरिस्ट अट्रैक्शन, द लिस्ट गोज ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड ब्रिंग योर अटेंशन टू द मेरीन ड्राइव रोड. हालांकि इधर कोई समंदर नहीं है लेकिन हल्दी रिवर के साइड से जो मेरीन ड्राइव रोड बना है दैट इज सिंपली awesome, giving you a beautiful view just beside the Haldia River bank. The Haldia Marine Drive is a beautiful 6 km road stretched from the Coast Guard jetty to third oil jetty point. The road is lined with palm trees and every now and then a ship can be seen anchored
on the shore. So walking through the Marine Drive Road, Haldia. So there is no sea beside the road. There is a river beside the road. Then comes the most beautiful Balughatta Riverside Sunset Point. So here's the Bong Voyager special time lapse roll. Ye chhod kabhi dosto, just around 33 kilometers from Haldia, you will find the ancient ruins of Tomluk Palace. It's a brilliant spectacle of architectural brilliance. The temple is believed to be 2,500 years old, 2,500 saal purana, and was inhabited by a West Bengal-based king. So guys, I will not suggest any train or bus to Haldia, because for me it's a destination for a day trip. It's not ideal for a night stay. So the best option will be if you're having a car, or yeah, fir agar aapka koi dost ke paas gaadi hai, you can go for a carpooling and, you know, enjoy the trip along with other families, your friends, or maybe your entire family all together. So if you talk about the car expense, look, I went in a Grand i10. Considering the expenditure on petrol, we were four guys, so each individual we contributed around 600 rupees each. So 600 into 4, that is 2400, and 2400 ke andar we covered the entire petrol expenditure, our food expenditure, and also our tea expenditure. So I think that's quite within our budget. Only those cars who are going to the port can take this bike. Dock complex and cargo, they are only allowed to take this bike. So guys, this was another beautiful sight on the way back from Haldia riverbank. Aap dekh sakte ho, in the sky, though it's very dark, you will get an orange glow and you will see a series of orange lights in the background. So that is none other than the big Haldia port. And door se, jab specially charo taraf dark ho jata hai, aapko ek adbhut nazara milta hai. लोग हमेशा दीघा, मंदारमोनी, बौखाली ये सब जगह के बारे में बोलता रहता है, बट आई थिंक होल्दिया कोई भी जगह से पीछे नहीं है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, बिकॉज फॉर मी एज अ वीकेंड ट्रैवलर द साइट वॉज इम्प्रेसिव, रियली इम्प्रेसिव. एंड स्पेशली अगर आप कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल में रहते हो, आई थिंक होल्दिया इज अनदर गुड ऑप्शन टू गो फॉर अ वीकेंड ड्राइव. सो गाइज, देखो, very frankly, the choice is yours. Either you can go for a dinner or attend a party within the city, but it's not quite safe at the moment. Or if you are a nature lover like me, you can easily go for a drive to a place like Haldia. If you love photography, if you love vlogging, or if you like to spend time with your friends going for a long drive, I think Haldia is another good option for you, because the road condition is so good that you will love the long drive. At the same time, you will find several spots and frames that is ideal for nature photography. Iske saath saath dosto, jo log bird photography mein bahut interest rakhte ho, mujhe ye local people ne bataya ke Haldia mein bahut sara migratory birds aata hai from Europe and other parts of the world. So that's also an unique attraction for the nature lovers. So guys, I hope you have liked the video, and I also hope that you will keep supporting our channel. Till then, mera ye anurodh hai aap log se, kripya mere channel ko like, share aur subscribe kijiye aur bell icon ko bhi daba dijiye taki aapko future mein aane wale sare video ke bare mein pata rahe. And also, do take a very good care of yourself, and as usual, keep rocking. And also, wishing all my subscribers and the entire Bong Voyager family very, very, very happy New Year Eve. I hope 2021 brings a lot of joy and happiness in all our lives.